खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बदमाशों ने सिपाही को गोली मार दी। गोली लगने से सिपाही अनिल सिंह चौहान घायल हो गया। गश्त के दौरान लिधियाई मोड़ पर एक मकान पर बदमाशों को पकड़ने के चक्कर में सिपाही को गोली लग गई। सिपाही अनिल सिंह चौहान गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तुरंत लखनऊ ट्रॉमा सेंटर लाया गया। लखनऊ बख्शी का तालाब के रहने वाले निवासी सिपाही अनिल सिंह चौहान अपनी तेज तर्रार और निर्भीक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। मौके पर एक बदमाश को पकड़ लिया था अनिल चौहान ने, साथ ही बदमाश को छुड़ाने के लिए बदमाशों ने सिपाही को गोली मारी। माइकलगंज में एक सिपाही के जख्मी होने की सूचना है, क्या है पूरा मामला? कल रात्रि में करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में थाना माइकलगंज से 2 सिपाही अनिल सिंह चौहान और एक और कांस्टेबल रात्रि गश्त में निकले हुए थे। एक लिथियाई मोड़ है, जगह है, जहां उन्होंने देखा कि 3 अज्ञात लड़के, जिसकी उम्र करीब 30 से 35 साल की होगी, वो किसी दुकान में चोरी का प्रयास कर रहे थे। अनिल के द्वारा तत्काल ही रिएक्ट करते हुए उस चोर को पकड़ लिया गया और दूसरे जो हमारे कांस्टेबल थे वो भी एक चोर के पीछे भागे, लेकिन पास में छिपे बदमाशों ने से एक ने अनिल पे गोली मार दी। गोली उसके कंधे में लगी है, जिनका तुरंत इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति उसकी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन हम पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। जहाँ तक बदमाशों की बात है, तो 3 लोग जो कि पूरी तरह चिन्हित तो नहीं हुए हैं, आसपास के बॉर्डर पे भी हम लोगों ने तत्काल ही चेकिंग लगवा दिया था और हमारी टीमें और डिटेल तय कर रही है। हम सर्विलांस टीम की मदद भी ले रहे हैं, जल्दी ही अभियुक्त को पकड़ लिया जाएगा और हमारा जो प्रयास है इनको कड़े से कड़े कार्रवाई की जाएगी इनके विरुद्ध। लखीमपुर खीरी से ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।